Students, today is the turn to discuss the last unit of CHEM 204 SAC. ठीक है, इस यूनिट में आपको है प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक हेयर डाई, हेयर स्प्रे, शैम्पू, सन टैन लोशन, लिपस्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो सबसे पहले जनरल अकाउंट है इनका, बहुत लंबा चौड़ा इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है, फालतू की डिस्कशंस हैं. इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि आप लास्ट के क्वेश्चन उठाएं और उनके आंसर्स अपने आप बनाएं कम से कम वर्ड्स में, और उस तरह से इसको तैयार करें. ठीक है, सबसे पहले कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. दे आर द सब्सटेंसेस यूज टू क्लींस, प्रोटेक्ट एंड एनहांस और अल्टर द अपियरेंस एंड फ्रेग्रेंस ऑफ बॉडी. ठीक है, हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे हेयर डाई का, बाकी आपने खुद जितने भी हैं वो करने हैं. ठीक है, हेयर डाइज जो हैं उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं. पहले है बेस क्रीम. बेस क्रीम एक इमल्शन है. वो इमल्शन दो तरह की होती है, आपको पता है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर. दोनों तरह की क्रीम हो सकती हैं. अलग अलग डाई बनाने वाले अलग अलग तरह की क्रीम यूज कर सकते हैं, करते हैं. ठीक है, इन वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं ये पर्टिकुलर डाई के ऊपर पता चलेगा कि कौन सा ऑयल है, कौन सा किसने यूज़ किया हुआ है. ठीक है, फिर दूसरा है कलर प्रिकर्सर. ये कुछ डाई के मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन डाई मॉलिक्यूल्स, विच पेनिट्रेट इन टू द हेयर. ये हेयर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बिल्ड करते हैं बिग डाई मॉलिक्यूल्स. डाई मॉलिक्यूल को वहां पकड़ पकड़ के लगाते हैं ताकि हेयर के साथ चिपक जाए. ठीक है, इसलिए इनको डेवलपर भी कहा जाता है. ठीक है, रिसोर्सिनॉल या मेटा अमीनोफिनोल, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक जो इस काम को करते हैं. फिर थर्ड आएगा जो मेन कंपोनेंट है, दैट इज डाई स्टफ. अब डाई भी दो तरह की मेनली यूज होती है, नाइट्रोमिनोडाइज जो ज़्यादा यूज होती हैं, उसके बाद एंथ्रोक्विनोन्स हैं, और इन डाइज के साथ एनाइनिक सर्फेक्टेंट भी मिलाया गया होता है जो कि क्यूटाइल को ओपन करेगा आपके. चलिए, उससे नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका एल्काइलाइजिंग एजेंट्स. ये अमोनिया जनरली यूज किया होता है. ये भी क्यूटाइल लेयर को हेयर की ओपन करता है, फाड़ता है ताकि डाई उसमें चिपक जाए. ठीक है, फिर है एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट इसलिए डाले होते हैं कि जो ऊपर प्रिकर्सर हैं इनकी ऑक्सीडेशन समय से पहले ना कर दे. अभी डाई बंद ही है और प्रिकर्सर ऑक्सीडाइज हो गए हैं तो फिर वो काम नहीं करेंगे. तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, जनरली सोडियम सल्फाइट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं. और लास्ट चीज़ है परफ्यूम. परफ्यूम इसलिए डाला जाता है कि जो अमोनिया की गंदी स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए परफ्यूम डाला जाता है. तो ये तो हो गए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हेयर डाई. फिर इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर डाई. अब हेयर डाई जो है वो दो तरह से क्लासिफाई की गई है. नेचुरल डाई जैसे हिना है आपकी, इंडिगो है, नील जिसको बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी, ये नेचुरल डाई की क्लास में आते हैं. ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक डाइज की क्लास आएगी आपकी. सिंथेटिक डाई दो तीन तरह की, चार तरह की बुक में दी गई है, उनके बारे में छोटे छोटे नोट्स आपने तैयार करने हैं आंसर के हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, रामायण ही है कौन सा कितना कंपोनेंट है. तो पहली तरह की है टेम्परेरी. टेम्परेरी का मतलब है कि शॉर्ट टाइम के लिए ये होगी, ये डाई आप ही लगाए, उसके बाद जब नहाए, वॉश किया, शैम्पू किया तो डाई साफ. सेमी परमानेंट है, 6 से 8 बार शैम्पू से धोएंगे, डेमी परमानेंट है, सेमी परमानेंट. ठीक है, 6 से 8 बार शैम्पू के साथ वॉश किया तो ये रिमूव हो जाती हैं. परमानेंट डाइज हैं, ऊपर बहुत टाइम तक रहती हैं और केमिकल रिएक्शन करती हैं बाल के साथ. तो इस तरह से इनके प्रेपरेशन एंड यूजेस आपने जो आपके सिलेबस में वही देखने हैं, वही तैयार करने हैं. बाकी जितने भी आपके बुक में सिलेबस के अंदर कॉस्मेटिक के टाइप दिए हैं, जैसे लिपस्टिक है, नेल पेंट है, हेयर स्प्रे है, शैम्पू है, इन सब के बारे में छोटा छोटा अकाउंट आपने तैयार करना है, निकालना है. और इट विल बी बेटर इफ़ यू प्रिपेयर 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट
जो क्वेश्चन आपके लास्ट में दिए हैं बुक के, वही अगर आप अच्छे से उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट आपके बुक में दिया है, लेकिन करना तो पड़ेगा। सो 10-15 क्वेश्चन के अगर आप बढ़िया से आंसर तैयार कर लें तो उसमें से एक दो आ जाएंगे, और एक ही दो आपको इसमें से करना है। एक तो आई थिंक दैट इज सफिशियंट फॉर ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जीपीएस एग्जामिनेशन आने वाली हैं, अच्छी तरह से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।